नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम एस्ट्रोमित्रम के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम विभिन्न विषयों के बारे में, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों के बारे में, ज्योतिष के मूल तत्वों के बारे में आपसे निरंतर चर्चा करते रहते हैं। ज्योतिष विधा के संबंध में लगातार ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति की। कृष्णमूर्ति पद्धति भाग चार में चर्चा करते हैं। जैसे कि कृष्णमूर्ति का मूल सिद्धांत, जैसे कि आपको पता है कि कृष्णमूर्ति का मूल महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ग्रह फल नहीं देता, ग्रह में बैठा हुआ नक्षत्र प्रति फल देता है। इस सिद्धांत पर हमने पिछले 3 एपिसोड में आपसे लगातार चर्चा करी। आइए कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में 4 एपिसोड में पुनः आपसे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले परंपरागत कृष्णमूर्ति पद्धति में कैसे, किस तरह देखा जाता है, कुंडली को किस तरह देखना चाहिए, या कुंडली के कृष्णमूर्ति पद्धति के मूल सिद्धांत क्या है, इस पर आइए हम चर्चा करते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के जब हम मूल सिद्धांत पर बात करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति की हम सबसे पहले जब चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाग्य में है या नहीं है। अब यदि कुंडली, जैसे ही आपके पास कुंडली आती है और आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, अब एक व्यक्ति है उसके भाग्य में शादी है या नहीं है, एक व्यक्ति है उसके भाग्य में मकान है या नहीं है, एक करोड़पति आदमी होता है लेकिन उसके बाद भी किराए के मकान में रहता है, एक पढ़ा लिखा सुंदर लड़का होता है फिर भी 45 साल का हो चुका है लेकिन उसकी शादी होने को तैयार नहीं है, कई लोग वृद्ध हो जाते हैं फिर भी उनकी शादी नहीं हो जाती है, तो सवाल ये होता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे पहला सिद्धांत ये है कि कुंडली में भाग्य में है या नहीं है। यदि 9th हाउस का सब लॉर्ड यदि 7th से जुड़ता है तो भाग्य में व्यक्ति को चीज़ मिलके रहेगी। तो 9th का संबंध 4th से, 9th का संबंध 3rd से, 9th का सेकंड 2nd से, 9th का 5th से। अब अपन देखते हैं किसी को संतान नहीं होती और संतान अपन देख कि कुंडली में गुरु पंचम को दृष्टि देखेगा या 11th में बैठ करके पंचम को देखा संतान हो गई, देखते देखते उसकी पूरी ज़िंदगी बीत गई लेकिन उसको संतान नहीं हुई, इसका मुख्य कारण क्या रहा? तो मित्रों, सबसे पहले यदि मूलभूत सिद्धांतों की हम बात करते हैं कि हम प्रारब्ध में क्या लेके पैदा हुए हैं, प्रारब्ध से हमारे क्या क्या संचित पुण्य हैं, प्रारब्ध के हमारे साथ किन किन भावों को हम प्रबल होकर के ला करके खड़ा हो, प्रबल हमें फल दे रहे हैं, और कौन कौन भाव ऐसे हैं जो हमारे न्यूनतम फल भी देने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले यदि भाग्य में लिखा है तो हर चीज़ मिलेगी, और भाग्य में नहीं लिखा है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने काफ़ी शोध और अध्ययन करके देखा। तो सबसे पहला सिद्धांत भाग्य में है या नहीं है। यदि भाग्य में है तो फिर हम समय का निर्धारण करेंगे कि कब होना है, किस दशा में होना है, किसके अंतरदशा होना है, किसके प्रत्यंतर में होना है, किसके सूक्ष्म होना है, किसके प्राण में होना है, कब गोचर होना है, ये सारी घटनाएं बाद में डिसाइड होगी, सबसे पहले भाग्य में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कुंडली में 9th हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है भाग्य के लिए, तो 9th का संबंध हम जिन भाव को भी देखना चाहते हैं, यदि 7th का देखना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर कुंवारा है तो 9th का संबंध 5th, 7th, 11th से है, या 9th का संबंध 4, 6 और 12 से है। तो सवाल ये होता है कि यदि अपोजिशन हाउस से है तो उसकी शादी नहीं होना है, और यदि पॉजिटिव हाउस से होना है तो उसकी शादी होना है। तो सबसे पहले भाग्य की स्थिति, भाग्य का प्रारब्ध, भाग्य का संचित पुण्य, यानी सवाल ये हो रहा है कि 8th हाउस कितना बलवान है, 9th हाउस कितना बलवान है, यानी 8th हाउस का संचित पूर्व जन्मों का पुण्य कितना भरा है, 8th हाउस का संचित जन्मों का पुण्य पाप कितना भरा हुआ है। तो सवाल ये कि 8th हाउस का संबंध यदि 4, 8, 12 से है तो व्यक्ति के जीवन भर के पूर्व जन्म के पिछले पाप बहुत ज़्यादा है, उसे भोगने को तैयार रहना पड़ेगा। यदि 8th हाउस का संबंध 1, 2, 3, 6, 10, 11 से है तो उसके प्रारब्ध का संचित पुण्य बहुत ज़्यादा है,
उसे पुण्य भोगना पड़ेगा। यदि 8 हाउस का संबंध यदि 4, 8, 12 और 1, 2, 3, 6, 10, 11 सा है तो आधे 50% पुण्य है, 50% पाप है। तो कितने जो ग्रह हैं जिनकी दशा है, कौन कौन शुभ भाव से जुड़े हैं, कौन कौन अशुभ भाव से जुड़े हैं, यदि 9 ग्रहों में से जितने ग्रह 1, 2, 3, 6, 10, 11 से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से उसकी प्रमोशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। यदि पूरे जो भाव 4, 8, 12 से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उस दशाओं में हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 8th का संबंध हमने देख लिया, फिर 9th की पोटेंशियल देख ली कि वो 9th हाउस की पोटेंशियल पावर किन किन हाउसों के लिए शुभ चिंतक है, किन किन हाउसों के लिए अशुभ है। तो अब यदि किसी की क्षमता सिर्फ काम करने की उसकी नौकरी में है ही नहीं और किसी की क्षमता सिर्फ व्यापार करने की उसकी नौकरी में नहीं है तो 9th हाउस का संबंध यदि 2, 6, 10 है तो कर्म क्षेत्र के लिए उसकी प्रोग्रेस होगी। 9th का संबंध यदि 10th के साथ में है तो 9th हाउस का संबंध यदि 7th के साथ है तो निश्चित रूप से, क्योंकि दशम का दशम सातवां घर होता है तो उसके दो मतलब उसका 10th और 7th ऑपरेट हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका व्यापार की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले हम भाग्य की पोजीशन जब तक नहीं देखेंगे हमें कृष्णमूर्ति पद्धति में दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या है कि दो टीम बना लीजिए, एक पॉजिटिव टीम एक नेगेटिव टीम। इसमें ज़्यादा उलझन पुंझन बिल्कुल नहीं है, कृष्णमूर्ति पद्धति में सीधा एक ही सूत्र है कि यदि मुँह से जो भी बोलेंगे, चाहे अच्छा बोलेंगे चाहे बुरा बोलेंगे, मुँह से ही बोलेंगे, जो भी खाएंगे चाहे अच्छा खाएंगे चाहे बुरा खाएंगे मुँह से करेंगे, जो भी पॉजिटिव काम करेंगे पैर से चाहे धर्म के लिए चाहे चलें चाहे अधर्म के चलेंगे, तो सूत्र सिर्फ एक ही है, 1, 2, 3, 6, 10, 11 का संबंध अच्छे हाउसों से होना चाहिए या नेगेटिव हाउस 5, 7, 8, 9, 12 का संबंध 5, 7, 8, 9, 12 से जुटा है या 1, 2, 3, 6, 10, 11 से जुटा है। तो सबसे पहले हम आज का 4th एपिसोड में हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं आपसे कि प्रथम सबसे पहले भाग्य की घटना देखिए कि आप प्रारब्ध का संचित पुण्य कितना लेके आए हैं, आपकी कुंडली में कितना दम है, आपकी कुंडली में सिर्फ किराए के मकान में लिखा है या दाल रोटी खाना लिखा है कि आपकी कुंडली में 10-10 मकान लिखे हैं, 10-10 गाड़ियां लिखी हैं, एरोप्लेन लिखा है। तो सवाल ये है कि प्रारब्ध का संचित पुण्य और प्रारब्ध का संचित पाप और उसकी पोटेंशियल किन हाउस से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले भाग्य की स्थिति का देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि भाग्य बली है तो भाग्य सबके साथ जुड़ करके कर्म करवाता हुआ चला जाता है, भाग्य सबके साथ जुड़ करके आपकी दशाओं के माध्यम से उन्नति करता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ हम ये देखेंगे कि भाग्य में है या नहीं है, ये कृष्ण मूर्ति का सबसे प्रथम सिद्धांत है। दूसरा हम सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करेंगे, प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए हम फिर आगे बात करेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इसमें दो टीमें हो गई, 1, 2, 3, 6, 10, 11, दूसरी टीम 5, 7, 9, 12, 8, 12। तो सवाल ये दो टीमों में टीम का विभक्त हो गया। अब यदि आप ये देखिए कि लग्न से यदि 1, 2, 3, 6, 10, 11 है तो सेकंड आपका पोजीशन है 7th हाउस, तो 7th हाउस की यदि लग्न बनाएंगे तो वहाँ से भी 1, 2, 3, 6, 10, 11 है आपकी सेकंड टीम को हो गया, यानी दो टीमें हो गई, ए टीम लग्न हो गई, सेकंड टीम 7th हो गई। अब 7th का 1, 2, 3, 6, 10, 11 देखेंगे तो 7th का भी यदि 1, 2, 3, 6, 10, 11 देखेंगे तो 7th का थर्ड हो गया, 9th जो नेगेटिव सेकंड के लिए बहुत पॉजिटिव है, 7th का यदि 6th हो गया जो 12th हाउस हो गया, 7th का यदि 4th हो गया जो 10th हो गया, 7th का जो 5th हाउस हो गया 11th आ गया, यानी सेम दोनों टीमें 1, 2, 3, 6, 10, 11 लगने के लिए, 7th के लिए भी सेम 1, 2, 3, 6, 10, 11। अब सवाल ये हुआ कि आप किस पाले में हैं, यदि इस पाले में लगने के पाले में काम कर रहे हैं या अपोजिशन के पाले में काम कर रहे हैं, 7th के लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं, यदि आपकी नौकरी कर रहे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, यानी आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ नहीं हो पा रहा, यानी आप 7th का अपना आपको लूज़ कर रहे हैं, और आपका लूज़ होना यानी किसी की जेब कटना और पैसे गिरना, यानी एक का पैसा गिरता है और दूसरे को लाभ होता है, एक की जेब कटती है दूसरे को लाभ होता है, एक का मोबाइल गिरता है दूसरे को मिलता है,
यानी एक को लूज होना पड़ेगा तभी तो दूसरे को फायदा होगा। फिक्स सिद्धांत फिक्स थ्योरी है, इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि जीवन में किसी को खर्च करना पड़ेगा तो ही तो अगले को लाभ मिलेगा। तो एक का लूज होना तो एक का अच्छा होना, एक का अच्छा होना तो एक का लूज होना, यानी दो टीमें बिल्कुल निर्धारित हो गई। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारी कुंडली किस में काम करती है, 1, 2, 3, 6, 10, 11 लग्ने वाले डिपार्टमेंट में काम करती हैं या 7th के थ्रू 4, 5, 7, 8, 9, 12 में काम कर रही हैं। 4, 5, 7, 8, 9, 12 में काम करती है तो मित्रों हमने प्रारब्ध के संचित पाप बहुत सारे किए हैं, प्रारब्ध के संचित पापों का हमें ऋण चुकाना होगा। इसलिए कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है, कभी हमारी जेब कट रही, कभी हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ग्रॉफिंग्स नहीं आ पा रही, हम जितना परिश्रम कर रहे हैं ग्रॉफिंग्स नहीं आ पा रही, इसका मुख्य कारण यही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें अपनी पोजिशन बनानी पड़ेगी, हमें अपनी ग्रॉफिंग्स फेस करनी पड़ेगी, हमें अपने सिस्टम में आना पड़ेगा कि हम कितना टीम में आए हैं। हम पाप लेके पैदा हुए हैं या पुण्य लेके पैदा हुए? यदि पाप लेके पैदा हुए हैं तो क्या हमारे पाप ग्रहों की दशा चल रही है? यदि हम पुण्य लेके पैदा हुए हैं तो क्या हमें पुण्य की दशा चल रही है? क्या हम दोनों लेके पैदा हुए हैं? तो जब पाप की दशा आएगी तो नेगेटिव जाएगा, जब पुण्य की दशा आएगी तो ग्राफ बढ़ता जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशंस हमें देखना पड़ेगी कि एक व्यक्ति जीवन भर ऐश करता और ऐश करते जीवन भर मर जाता है, यानी टोटल पॉजिटिव की दशा। एक व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता और संघर्ष करके मर जाता है, नेगेटिव की दशा है। एक व्यक्ति दोनों फेस करता है, एक मध्यम वर्ग का, ना ऊपर चढ़ता है ना नीचे गिरता है, बीच की स्थिति, यानी उसका पाप भी उतना है, पुण्य भी उतना है, पुण्य भी उतना है, पाप भी उतना है, दोनों चीज़ों में सफ़र करता है। यानी 1, 2, 3, 6, 10, 11 को भी झेलता है, 5, 7, 8, 9, 12 को भी, यानी दोनों ही टीम में विचरण करता है। जब उसको अच्छे उसके अनुरूप दशाएं मिलती है तो पॉजिटिव वर्किंग होती है, जब उसकी नेगेटिव की दशा मिलती है तो ग्रॉफिंग्स नीचे आती है। तो दोनों मिला जुली लाइफ को भोगता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी ग्रॉफिंग्स किस ओर जा रही है, 1, 2, 3, 6, 10, 11 की तरफ आ रही कि नेगेटिव टीम की तरफ आ रही? यदि हमारा संचित पुण्य जितना ज़्यादा होगा, हमारा प्रोग्रेस का ग्राफ 1, 2, 3, 6, 10, 11 से उतना ही जुड़ता जाएगा। यदि हमारा शोषण होना है, यदि हमें परेशानी होना है, यदि हमें दुख भोगना है, तो यूँ मान के चलिए 7th का संबंध 4, 8, 12 से होगा तो निश्चित रूप से हमें ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो हमें खाएंगे, हमारा दुरुपयोग करेंगे, हमें नेगेटिविटी पहुंचाएंगे, हमें तकलीफ पहुंचाएंगे, हमारा ग्राफ नीचे जाएगा। तो हम सबसे पहले सिद्धांत 1, 2, 3, 6, 10, 11 या 4, 5, 7, 8, 9, 12 दो टीमों में वर्क करेंगे। इन दो टीमों को ही शुरू से लेकर आखिरी तक हमें खेलना पड़ेगा। इन दो टीमों में ही ग्रहों का निर्धारण करना पड़ेगा कि कौन कौन सा ग्रह कि 1, 2, 3, 6, 10, 11 से जुड़ा है, 9 ग्रहों में से कौन कौन सा ग्रह नेगेटिव टीम से जुड़ा है। जो नेगेटिव से जुड़ा है नेगेटिव के लिए वोटिंग करेगा, जो पॉजिटिव के लिए जुड़ा है पॉजिटिव के लिए वोटिंग कर रहे थे। दोनों टीमों का बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा और दोनों ही टीमों पर वर्क करना पड़ेगा। ये कृष्णमूर्ति जी का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक एक ग्रह की पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे। अब मान लो सपोज चाहिए कि हमें मकान चाहिए, तो मकान के लिए 4th हाउस होता है। अब 4th हाउस का संबंध 1, 2, 3, 6, 10, 11 से है तो आपको मकान मिल रहा है। यदि 4th हाउस का संबंध 4, 4, 8, 12 से जुड़ा है, यानी आपको मकान तो लिया, लाकान के लिए पैसे इकट्ठे करे, लेकिन बिल्डर खा गया, डूब गए या विवादित हो गया या कोर्ट केस में चला गया, यानी आप परेशानियों से गिर गए। तो संबंध ये है कि उन हाउसों की हमें पोटेंशियल देखना पड़ेगी कि यदि 4th का संबंध 1, 2, 3, 6, 10, 11 से, यानी मकान इतना शानदार अच्छी लोकेशन में और इतनी अच्छे लोगों से मिला है कि हम बहुत अच्छे सुकून और भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और यदि 4th का संबंध यदि नेगेटिव हाउस से हो जाए, नेगेटिव हाउस होने में वो हमें पॉजिटिविटी नहीं मिल पाई, यानी 4th का 4th से अटकना, तो हर चीज़ में हर भाव की पोटेंशियल निकालना पड़ेगी। हम पोटेंशियल के लिए अलग आने वाले समय में एपिसोड से चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भाग्य में है या नहीं है। यदि भाग्य में है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, यदि भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलने वाला। तो मित्रों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी हो हम अपने एपिसोड में आपसे पुनः देते रहेंगे। आपसे फिर अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।